हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपई और आज हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव वन और ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये नया चैनल है हमारा ईजी मैथ्स, तो इसको भी आप सब्सक्राइब करिए। इतना जितना प्यार आप इस चैनल को दे रहे हैं इसे भी दीजिए, सो दैट कि मैथ्स का जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है वो अलग चैनल पे रहे, जहाँ पर हम पूरा जेई का मैथ्स, एनडीए और सारे एग्जामिनेशन को धीरे धीरे यहाँ पर अपलोड करने वाले गाइस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फ्रॉम एससी वर्मा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स होती हैं उसको करना है। उससे भी पहले हमेशा की तरह आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व एग्जांपल्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस। अगर आपको लगता है कि किन्हीं सॉल्व एग्जांपल्स में आपको दिक्कत आ रही, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर ओनली जब आप एक बार सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करिए गाइस, ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग तब तक काफ़ी बढ़ चुकी होगी क्योंकि आप काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके होंगे, तो फिर आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ। अब देखो कोई भी वेक्टर अगर है, जैसे कि ये वेक्टर, तो वेक्टर में दो बातें होती हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड जो कि इसके लेंथ के द्वारा दिया जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, और दूसरा कि इसकी डायरेक्शन कितनी है। तो डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले लूँगा तो ये कितना थीटा है। तो अगर मैं इस रेड वेक्टर का थीटा चेंज कर दूं या लेंथ चेंज कर दूं तो ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। अब चलिए एक एक स्टेप इसमें करते हो, देखते क्या मेरा वेक्टर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं इट इज़ रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। तो कह रहे हैं कि इस वेक्टर को मैं किसी एक एंगल से अगर रोटेट कर दूं, अगर मैंने इसको रोटेट किया गाइस, तो देखिए थोड़ा सा रोटेट किया, इसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया, तो फिर क्या वेक्टर चेंज नहीं हुआ? अरे वेक्टर का लेंथ चेंज करोगे और डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वेक्टर तो चेंज हो ही जाएगा, इसलिए पहला पॉइंट नहीं होगा। अब कह रहे इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर। अब सोचिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका लेंथ ही बढ़ जाएगा गाइस, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका लेंथ, तो फिर वो भी वेक्टर को चेंज करना ही हुआ। इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता गाइस, यानी कि जिस भी यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर लेंथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रहा है पर लेंथ चेंज हो रहा है। इवन अगर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेंथ और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएगा। अब डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यही बचा है, लेकिन समझ लेते हैं। इट इज स्लिट पैरेलल टू इटसेल्फ, मान लो एक वेक्टर है और मैं इसको पैरेलली यहाँ भी ले आऊँ, तो जब तक कि इसका लेंथ और एंगल नहीं चेंज होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, ये थीटा और ये थीटा अगर इसका सेम रहता गाइस, अगर ये दोनों थीटा आपको सेम दिखते हैं तो इसका मतलब कि वेक्टर विल रिमेन सेम, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हो कि दोनों वेक्टर फिर सेम है, इसलिए डी ऑप्शन। इसीलिए वेक्टर्स को फ्री वेक्टर भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम उनको जो है स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझे दो वेक्टर्स ऐड करने हैं ये वेक्टर, तो नॉर्मली व्हाट आई विल डू कि इसको स्लिड करके इस वेक्टर को मैं इसके टिप पे रख दूंगा और फिर इस तरीके से रिजल्टेंट निकालूंगा। तो क्योंकि वेक्टर को बिना चेंज करे मैं आप स्लिड कर लिया, तो फिर जो मैंने आसानी के साथ रिजल्टेंट निकाल लिया। तो ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल है वेक्टर को ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने में और क्वेश्चंस को करने में भी बहुत हेल्पफुल थी, आपको पता ही होगा। अब कह रहे हैं विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो मे रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। अब तीन वेक्टर कब 0 हो सकते गाइज? अगर वो ट्राइंगल बना लें, जैसे मान लो 3 वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अगर मेरी तीसरी वेक्टर ऐसे हो जाए, है ना, डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाए, मान लो आप यहाँ गए फिर यहाँ गए और फिर वापस घर को आ गए, तो हम बोलते हैं ना आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो ये तब होगा जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये सब नल वेक्टर हो जाए, ऐसे में 0 होंगे। तो या तो ये ट्राइंगल बना लें,
या फिर ये पैरेलल हों, जैसे ए हुआ फिर बी हुआ इतना और फिर सी हुआ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, अगर हम ऐसे लिख लें तब भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एक तरीका ये है मैग्नीट्यूड वाइज कि बी प्लस सी ए हो जाए, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन यहाँ पर सी जो है वो ए और बी से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर एंड इवन इक्वल, तब जो है ऐसा हो सकता है कि तीन वेक्टर जो है जीरो हो जाए, क्योंकि ट्रायंगल तो नहीं बनेगा जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड्स के बराबर हो जाएगा, लेकिन वेक्टर के केस में इक्वल जरूर जीरो कर देगा। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे टू और फोर को जब हम ऐड करते तो सिक्स आता है, तो ये सिक्स नाइदर इक्वल है एट के ना ही ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, इसलिए इसमें कभी भी हमें वेक्टर सम जीरो नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली जब मैं यहाँ लगाता हूँ तो फोर प्लस एट ट्वेल्व होता है, एंड ट्वेल्व फिर से ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल है सिक्सटीन के, इसलिए ये भी नहीं होगा गाइस। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वन और वन को ऐड करता हूँ तो टू जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू टू है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है गाइज, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है। फिर से एक बार 1.5 जो है उसने सही काम नहीं किया गाइज, वो बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आप क्लियरली समझ गए कि सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्या बात समझ में आई गाइज किस तरीके से हमने किया। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर आप वेक्टर्स को समझते हो तो फिर ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बीटा विद बी। तो चलिए, तो ये मेरा ए वेक्टर मैंने बना लिया और ये मैंने बना लिया बी वेक्टर, ऐसे बना लिया, ठीक है, समझना बात को गाइस। और इसका रिजल्टेंट कैसे बनेगा जब हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम को ले आएंगे गाइस, है ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट बन गया, दिस इज अवर रिजल्टेंट। तो व्हाट दे आर टेलिंग कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज आर विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड एंगल बीटा विद बी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि बीटा हमेशा अल्फा से बड़ा होगा, तो हम देखो क्या करेंगे इस बात को गलत करने के लिए, हम b को बहुत बड़ा बना देंगे इतना, और इसको बड़ा छोटा बना देंगे गाइस a को। अब एक्सट्रीम केसेस में फिजिक्स में जाया करिए, तो फिर पैरेललोग्राम में बना रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक है ठीक है। तो फिर ये जब मैंने ऐसे बनाया, देखो ऐसे बनाया, तो आप खुद देखोगे कि ये बड़ा छोटा एंगल बन रहा है बीटा वाला, और अल्फा वाला बहुत बड़ा एंगल बन रहा है। तो यहाँ तो इस केस में इन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि बी बड़ा होना चाहिए ए से, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा है, तो यानी ए अपना प्लॉट खो चुका है, यानी कि गलत हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब भी बी ए से बड़ा होगा तो बीटा अल्फा से बड़ा होगा, ये तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे उल्टा दिख रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बी, तो ये तो एक ही मेरे कंस्ट्रक्ट करने से ये भी अपने प्लॉट को खो चुका है। अब चलिए देखते हैं ए को बहुत बड़ा बनाएंगे, मतलब आप एक्सट्रीम केसेस पे जाएंगे, ऐसे छोटा सा मैंने बी बना लिया, ठीक है, तो ये पागलपंथी करिए आप फिजिक्स में। और फिर देखिए आप, ये मैंने ऐसे लंबा समय, अब आप देखिएगा कि मैं जो है इसको इसकी तरफ रहेगा ना, ये इसकी तरफ रहेगा, तो ये छोटा एंगल बनेगा, ये अल्फा विल बी छोटा एंड बीटा विल बी बिगर, तो बिल्कुल करेक्ट है गाइस। बीटा कितना बड़ा है देखो, आप खुद से बना के फील करिए इस बात को, मैथमेटिकली मत जाइए, वेक्टर अगर आप समझते हो तो उसके पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन को फील करिए एंड गेट दीज आंसर्स। ऑब्वियसली अगर ए और बी बराबर है तो मैं क्या करूंगा, दो एक स्क्वायर बना लूंगा, और अब ये ए और बी मैं लेता हूँ 45 45, तो हमें पता है कि इनका रिजल्टेंट, अरे व्हाट आई एम टेलिंग, दोनों बराबर ले लेता हूँ मैं, और इनके बीच में एंगल ले लेता हूँ 90, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो हमें पता है 45 45 पे, वो तो बराबर हो रहा है गाइस।
अगर ए और बी बराबर हो गया तो फिर ये अल्फा और बीटा बराबर होना चाहिए, ना कि बीटा को ए से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, जो बचपन में हम लोगों ने चीज़ें सीखी हैं, उसको यूज़ करके किस तरीके से आसानी से सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। अब चलिए, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज लेस दैन इट्स मैग्नीट्यूड। अब कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का, वो हमेशा अपने मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। अब ये बिल्कुल रॉन्ग है गाइज, ऐसा नहीं होता है। कंपोनेंट कैन बी बिगर देन द वेक्टर। जैसे मान लो ये वेक्टर है एक बड़ा सा, ठीक है, फिर ये है एक, फिर हम ऐसे आ गए और यहाँ छोड़ दिया मैंने। अब आप देखो कि ये है इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये इसके कंपोनेंट है। इसको अगर मैं बोल दूँ आर वन, वन सेकेंड, दिस इज आर वन, दिस इज आर टू वेक्टर, दिस इज आर थ्री, तो जो R वेक्टर है वो R1 से भी, R1 कंपोनेंट वेक्टर है ना ये, ये देखो ये क्या है, लेस देन है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, बिल्कुल नहीं, ये तो बड़े मेरे को नजर आ रहे हैं, मैंने लिया ही ऐसे। अब कह रहे हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा भी जरूरी नहीं है। छोटे छोटे वेक्टर में बना लूँ, ऐसे कर लूँ, तो देखो यहाँ पर तो ये छोटे आ गए, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऑलवेज हो, इक्वल भी नहीं होगा। अब आप देख रहे हो कि इक्वल कहाँ हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डी नन ऑफ दीज होगा। ये बात आपको समझनी है, आपको वेक्टर्स को स्केलर की तरह नहीं सोचना है गाइस, ठीक है, इनको आपको बिल्कुल उनके डायरेक्शन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से समझना है, पॉलीगोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना है, एंड यू हैव टू फील दोज थिंग्स। अब चलिए, अब वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, तो एक वेक्टर हमारा वर्टिकली अपवर्ड है, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, तो मैं उसको क्या करूँगा, देखो ये जो आने वाली डायरेक्शन है ना, इसको मैं ले लेता हूँ आई, है ना, ये अपवर्ड ले लिया मैंने, वर्टिकली अपवर्ड, एंड बी इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना, ये हमने ले ली जे। अब आई क्रॉस जे, जब ये अगर ये आई जे है तो ये क्या होगा गाइज, के हो जाएगा इधर की तरफ, आई क्रॉस जे विल गिव, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर, तो यहां पर आपको समझना है कि ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। आप करके देखो, राइट हैंड थंब रूल, अब मैं कैसे दिखाऊं आपको, यहां पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, देखो वर्टिकली वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड एंड बी इट्स टूवर्ड्स द नॉर्थ, तो नॉर्थ देखो आप, नॉर्थ आपका ऐसे रहेगा, नॉर्थ इज लाइक दिस, वेस्ट इज लाइक दिस, ईस्ट इज लाइक दिस एंड साउथ, तो नॉर्थ की तरफ अपने राइट हैंड पाम को आप करिए, पाम आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, अब उंगलियों को आप अपवर्ड की तरफ घुमाओ, ठीक है, देखो यहाँ पर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ए वर्टिकली अपवर्ड है, तो अपने हैंड को आप वर्टिकली अपवर्ड कर दो, राइट हैंड को आप ऊपर करो, ठीक है, और आपका जो पाम है वो कंप्यूटर स्क्रीन है, मोबाइल की तरफ आप जो है उसको पॉइंट करो, ठीक है, कर लिया आपने, अब अपने हैंड को आप नॉर्थ की तरफ यानी सामने की तरफ करो, तो आप देखोगे जो आपका अंगूठा है, थंब है, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे अपने हैंड को ऊपर की तरफ करो, हैंड को, ठीक है, ऐसे पाम ऐसे हो, ऐसे इधर की तरफ पाम हो, फिर आप इसको ऐसे रोटेट कर दो सामने की तरफ, तो आपका जो राइट हैंड, तो जो थंब आएगा ना वो इस तरफ आएगा, ठीक है, ये हैंड आपका ऐसे हैंड है, इसको आप जब इधर घुमाओगे तो आप राइट हैंड को ऐसे घुमाओ और पाम इधर साइड है, पाम इज दिस साइड, तो जब आप हैंड को इधर घुमाओगे तो आपका थंब इधर आएगा, एंड दिस इज वेस्ट बिकॉज ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ कैसे 90 डिग्री पे वेस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पर अलोंग द वेस्ट आपका आंसर आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर गाइस, अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12, इट्स एरिया शुड बी रिटन एज, अब देखो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया, मल्टीप्लीकेशन में क्या बोला है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखे जाते हैं, डेसिमल्स नहीं देखे जाते, सिग्निफिकेंट प्लस और माइनस में देखा जाता है,
तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं तो हमारे आंसर में भी थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब हम यहाँ देखना शुरू करते हैं कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दो, तो ये गलत है आंसर। थ्री सिग्निफिकेंट, ओके होल्ड इट अभी के लिए, अब देखते हैं अगर और कोई सिग्निफिकेंट डिजिट का हो फिर सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन अभी हमें तो ये दूसरा फोर सिग्निफिकेंट डिजिट का दिख रहा है, नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा है, सिक्स सिग्निफिकेंट डिजिट है, नहीं, तो आंसर क्या हुआ, थ्री सिग्निफिकेंट। तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं गाइस, इसी तरीके से आप टाइम सेव करते हो और आप अपनी इंटेलिजेंस शो करते हो कि ज़बरदस्ती आप पाई आर स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, यही आएगा। तो ये ध्यान रखिए आप कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें आप किस तरीके से अपने आप का समय बचाइए। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन पे इसी के साथ बढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन। तो आई थिंक कि आपको ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड नाउ यू हैव मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से समझना, अ सिचुएशन में बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस, By using different sets of coordinate axes having different orientation, ठीक है, कई सारे different coordinates, जैसे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, पोलर कोऑर्डिनेट एक्सेस हो सकते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड्स द ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सेस। तो देखो यहाँ पे एक बात सोचो कि एक्सेस किस डायरेक्शन में है, तो भाई उससे बस केवल एक ही चीज पे फर्क पड़ेगा, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ गाइस, उससे कंपोनेंट पे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने x और y और z ऐसे किया, तो जब मैं a वेक्टर लिखूंगा तो फिर मेरे ax i plus ay j plus az k, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं दे हैव कम बिकॉज ऑफ दीज एक्सेस। अगर मैं अलग एक्सेस बनाऊंगा तो वेक्टर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा इससे, ये कंपोनेंट्स अलग बन जाएंगे लेकिन वेक्टर तब भी वही डायरेक्शन दे रहा होगा, वही सब कुछ कर रहा होगा, बिकॉज वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी गाइस, वो नहीं बदलने वाला है, ये हमारा मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में चेंज कर सकता हूँ लेकिन जो रियलिटी है दैट विल रिमेन रियलिटी, यानी फोर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ वो मेरे लिए मैथमेटिक्स है, पर फोर्स इज अ फिजिकल थिंग जिसको आप फील कर रहे हो। मैथमेटिक्स बदल सकते हो लेकिन आप फोर्स को नहीं बदल सकते हो, तो बात समझ में आई गाइस। तो यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस से आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द स्केलर, जो इसकी वैल्यू ऑफ द स्केलर रहेगी वो वही रहेगी, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वेरी करेक्ट, तो ये होगा, तो ये डिपेंड नहीं करता कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यस आई कैन चेंज इट, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वेक्टर तो ऑब्वियसली हम लोग जो है नहीं चेंज कर सकते गाइस, इसी को बदल सकते बस इसी को, मैग्नीट्यूड भी नहीं कर सकते, बात वही है, वैल्यू ऑफ अ स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। तो क्लियर है गाइस, ए सी डी आर योर आंसर, ए इज योर आंसर, सी इज योर आंसर एंड डी इज योर आंसर, आई होप यू आर क्लियर। तो चलिए बढ़ते गाइस क्वेश्चन नंबर टू, तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कह रहे हैं कि C जो है दिस इज इक्वल टू A प्लस B, कह रहे हैं C इज ऑलवेज ग्रेटर, अभी मैंने आपको दिखाया कि रिजल्टेंट हमेशा बड़ा हो ये जरूरी नहीं होता है अपने कंपोनेंट से, फिर से वही वाली बात यहाँ पे फालतू वाली बात हो रही है गाइस, तो ये गलत है, कह रहे C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस B, अरे बात ही नहीं करनी है सब की स्केलर टाइप में, C इज नेवर इक्वल टू, भाई हो क्यों नहीं सकता है, अगर A करूँ और B ऐसे रख दूँ तो फिर C इनके स्केलर्स के बराबर हो जाएगा, तो नेवर लिख दिया तो गड़बड़ कर दिया आपने। तो C जो है इट इज पॉसिबल कि C जो है अपने कंपोनेंट्स A से भी छोटा हो जाए, B से भी छोटा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ये जैसे देखो रिजल्टेंट इतना छोटा सा है, तो C इज स्मॉलर देन A, C इज स्मॉलर देन B, तो C दोनों से ही छोटा है, तो यस इट्स अ पॉसिबिलिटी, यानी टू का बी ऑप्शन हो गया। आप जानते हो कि ऑब्जेक्टिव टू जो क्वेश्चंस होते हैं एससी वर्मा में वो क्या होते हैं कि वो एक से ज़्यादा गाइस ऑप्शंस करेक्ट होते, जरूरी नहीं कि हमेशा ही होगा, आपने इस क्वेश्चन में देखा आपको एक एक ऑप्शन को वे या डाउन करना पड़ता है, वे करना पड़ता है, देन यू नो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट, यानी एक तरीके से चार प्रॉब्लम होते हैं हमारे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं आखिर ये, ये कह रहे कि द लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बी 120 एंड द रिजल्टेंट बी सी, तो सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा बोल रहे हैं, एंड सी मस्ट बी लेस देन
a minus b, c must be greater than a minus, c may be equal to a minus b. Oh my god. So what is correct? C must be greater than, ki c must be less than, must laga hua, c may be equal to a minus b. तो चलिए देखेंगे हम लोग कि आखिर कैसे क्या बोला जा रहा है. अब देखो, अगर a वेक्टर अपने पास दो नॉन जीरो है, b है, इनके बीच में है 120 डिग्री का एंगल. अब मैं ऐसे बना लेता हूँ इन वेक्टर्स को, पैरेललोग्राम में बनाता हूँ, ठीक है. तो ये हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, है ना, ये रिजल्टेंट भी. और ए माइनस बी क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज बी गाइस. तो ए में अगर मैं ए वेक्टर में अगर मैं, ठीक है, या ये बी में अगर मैं ए माइनस बी ऐड करूं, ठीक है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि बी और बी कटना चाहिए, तो बी प्लस ए माइनस बी शुड गिव ए. तो ये वाला वेक्टर जो है हमारा, ये जो ए माइनस बी है, इसके बारे में बोल रहे हैं. तो कह रहे हैं जो सी है, सी मतलब ए प्लस बी, सी इज ए प्लस बी, तो कह रहे सी ए प्लस बी को हमेशा ए माइनस बी के बराबर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए भाई, जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम के दोनों डायगनल्स बराबर हो, क्योंकि एक डायगनल आपका ए प्लस बी होता है और दूसरी डायगनल जो होती है वो ए माइनस बी होती है. तो दोनों डायगनल बराबर हों पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है. जब वो स्क्वायर होता है यानी 90 डिग्री होता है तभी ऐसा होता है. तो सी मस्ट बी इक्वल, कहाँ से लाते हैं आप ऐसी बातें, ठीक है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल भाई, सी मस्ट बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, नो नो नो, सी मस्ट बी लेस देन. फिर वही वाली बात, सी क्यों भाई छोटा होना चाहिए, है ना, सी क्यों छोटा होना चाहिए. देखो सी कब छोटा हो सकता है, कैन टेल यू, जब एक्यूट एंगल बनेंगे. जब आप यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाओगे तो आप खुद देख लो कि ये वाला डायगनल आपका बड़ा है और ये डायगनल आपको छोटा दिख रहा है. तो एक्यूट एंगल, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, प्लीज डू अंडरस्टैंड. तो एक्यूट एंगल के केस में सी जो है आपका ग्रेटर होता है, मतलब सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी, दिस इज रॉन्ग. एक्यूट में बड़ा होगा तो सी मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस बी कब होगा, जब 90-90 हो जाए. अब यहां थोड़ा सा देखने, ये हमारे लिए 120 है, अब सी मस्ट बी लेस देन मॉड ए माइनस बी. तो सी एक्यूट के केस में सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए माइनस बी, यस, 90 से छोटा होगा तो सी मस्ट बी. तो ये कह रहे हैं सी मस्ट बी लेस देन मॉड ए माइनस बी, तो ये सही लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये छोटा है सी और ये बड़ा है, है ना. अब जितना बड़ा एंगल बनाओगे, जैसे मैं इतना बड़ा एंगल बना लिया, यहाँ तो 120 है, तो फिर ये कैसे, ठीक है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है. तो ये हमारा रिजल्टेंट है, ये देखो कितना बड़ा हो गया, है ना. तो समझ में आ रही गाइस, तो यहाँ पर c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी होगा. अब c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखो. c मे बी इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, ये भी नहीं होगा. अब क्या कोई और दूसरा मेथड है इसको करने का, तो लेट्स सी क्या कोई और मेथड है, अगर आप मैथमेटिकली क्या इस बात को प्रूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है बात समझना, क्या मैथमेटिकली हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं. लेट्स सी कैसे करेंगे, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है. अब चलो, सी जो वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना. तो मैं लिखूँगा सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a dot b. अब mod a minus b vector का whole square will be also mod a square plus mod b square minus 2a dot b. अब मुझे जो चाहिए, I don't know about a and b, I know about a minus b, c और इनके बीच का angle. तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, subtract कर दूंगा. तो I will write कि mod c square minus mod a minus b का whole square
is equal to 4ab cos 120. Cos 120 is negative. तो mod c minus mod a minus b, ये तो पॉजिटिव होंगे, सब mod है, तो ये एक negative क्वांटिटी आ रही है. इट्स नेगेटिव क्वांटिटी. तो नेगेटिव क्वांटिटी कब होगी? जब c जो है वो a माइनस बी से छोटा हो. जब c a माइनस बी से छोटा हो तभी तो आएगा. ये बड़ा हो और ये छोटा हो तो यानी कि आई कैन से कि a माइनस बी का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन c का स्क्वायर. तो c, तो फिर दोनों का रूट ले लूँ मैं, तो a माइनस बी का मॉड इज ग्रेटर देन c, तो c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी. तो प्रूव हो गया, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए हो गया. तो बात आई थिंक क्लियर हो चुकी है. तो चलिए अब फिर कंपोनेंट वाले हैं. कंपोनेंट में बोल रहे हैं द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर. बिल्कुल करेक्ट है. अगर रिजल्टेंट का जो एक्स है, रिजल्टेंट का एक्स विल बी कंपोनेंट का एक्स का वेक्टर्स का, बिल्कुल यही होता ही है. बिल्कुल करेक्ट है. आर एन एक्स वाई वाले वाई के बराबर होगा. मे बी स्मॉलर, इसमें कोई भी नहीं कहता कि नहीं स्मॉलर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं. मे बी ग्रेटर, अब कह रहे ग्रेटर सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि एक्स कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाए. नहीं, क्योंकि कई कंपोनेंट जैसे आर एक्स स्क्वायर, मान लो दो ही हैं, तो अब अगर आर ऐसा है तो यहाँ ये भी प्लस का स्क्वायर, तो बराबर हो सकता है, लेकिन ये बोलो कि ये बड़ा हो जाएगा, ये चीज अब इससे बड़ा हो जाएगा इस पूरे से, नॉट पॉसिबल. तो ये नहीं होगा. में इक्वल हो सकता है, अगर आर वाई का कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है तो इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसलिए ए बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन. क्या बात समझ में आ रही गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और अब इसको समझते हैं. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मॉड ए एंड मॉड बी मे बी. अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी, ये तो दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. अब कह रहे हैं कि ये जो है इससे बड़ा हो जाए, कैसे पॉसिबल है भाई? साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन है. अगर इसकी वैल्यू वन से ज्यादा होती तब ये हो पाता, तब ये हो पाता. अंडरस्टैंड दिस. तो ऐसा नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि ये वन से छोटा है, तो ऑब्वियसली इसको छोटा होना पड़ेगा ए बी से. ठीक है, इक्वल टू ए बी हो सकता है अगर साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाए. बिल्कुल लेस देन ए बी तो हो ही सकता है गाइस, वो साइन थीटा अगर वन से छोटा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, वैल्यू बड़ी हो. इक्वल टू जीरो भी हो सकता है अगर साइन थीटा जीरो हो जाए. तो ये बी सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट. तो आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए गाइस. तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग रेस्ट एंड मोशन के ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे. लेट मी चेक कि कितने हैं ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में कर पाएंगे हम लोग कि दो वीडियो हमें लगेंगे. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बात को समझना गाइस. तो ऑब्जेक्टिव है 10 और ऑब्जेक्टिव 1 है 13. तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव 1 के लिए एक वीडियो, ऑब्जेक्टिव 2 के लिए दो वीडियो. ठीक है, मतलब कुल मिला के दो वीडियो या तीन वीडियो में वी विल बी एबल टू डू इट. तो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में शेयर भी करेंगे फ्रेंड्स के साथ. बाय बाय.